करोति। दिव्यांगता की सेवा में हमेशा तत्पर। अब श्रवण जांच केंद्र की स्थापना कर ऑडियोमेट्री के माध्यम से सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, कान में सीटी बजना, बातों को दोहरा कर पूछना, इन समस्याओं के लिए श्रवण जांच केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें कुशल ऑडियोलॉजिस्ट के निर्देशन में अत्याधुनिक उपकरणों से सुनने के स्तर की जांच व उसका निदान किया जाता है। साथ ही स्पीच थेरेपी भी दी जाती है। किसी भी कान की समस्या से परेशान है तो कल्याणम करोति सरस्वती कुंड के पास मथुरा में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9897203030 और 9760203030। पेश है टीवीएस बंपर ऑफर्स। पाइए 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10000 रुपए तक बचत। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अवशेषों को लेकर मनीष यादव द्वारा न्यायालय में दाखिल किए गए वाद को लेकर शुक्रवार को माननीय न्यायालय द्वारा एक बार फिर सुनवाई की गई। इस सुनवाई में वाद पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा ये दावा पेश किया गया कि विदेशी हमलावरों और शासकों द्वारा मंदिर को नष्ट करते हुए तथाकथित ईदगाह का निर्माण कराया गया, जहां ईदगाह के नीचे आज भी मंदिर के अवशेष मौजूद हैं, जिन्हें धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। वाद पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता कमीशन गठित करने की अपील की गई। वहीं ईदगाह कमेटी की ओर से मौजूद अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में जमकर तिरह की गई। इस पर न्यायालय द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। हम आपको बता दें कि जन्मभूमि के मामले को लेकर डाले गए वाद पर हाईकोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है, जिसमें 4 माह के भीतर इस मामले को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय द्वारा दी गई तारीख के बाद इस संबंध में वाद पक्ष की ओर से अधिवक्ता और पैरवी कर रहे लोगों द्वारा जानकारी दी गई। वहीं ईदगाह कमेटी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने इस मामले में वाद पक्ष पर मूल की कार्रवाई को बाधित करने का आरोप भी लगाया। आशा कर दिया था कि ईदगाह के अंदर जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स दबे हुए हैं और जो पौराणिक शिलालेख हैं उनको प्रिजर्व किया जावे और इस संबंध में ये स्टे जारी की, निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ये जो, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर में का ऑर्डर हो चुका है, इसलिए इन प्रलेखों को, इन एविडेंस को ये विस्मान ना करें। जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ईदगाह के अंदर दबे हुए हैं उनको वहाँ से ना हटावें। इस आशा का हमने प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर दूसरी पार्टी ने ऐतराज के लिए समय मांगा है, उनको कॉपी दे दी गई है, उन्होंने ऐतराज के समय मांगा है। अब इस प्रार्थना पत्र सुनवाई 1 जुलाई 2022 को इस न्यायालय में होगी। एक प्रार्थना पत्र मनीष यादव वाले मुकदमे में ही हमने इस आशा का दिया था कि इस मुकदमे में एडवोकेट कमिश्नर जो सीनियर एडवोकेट हों उनको नियुक्त करावें, जो मौके पर जाकर दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में मौके पर जाकर मुआयना करें, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो जो मौके पर दिखाई जाएं उनको नोट करें और उनको अपनी रिपोर्ट में सबमिट करते हुए इस अदालत में अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। उनको भी इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए दूसरी पार्टी ने एहतियात के समय मांगा है और इस पर अदालत में दूसरी पार्टी को मौका देते हुए, एहतियात का मौका देते हुए 1 जुलाई 2022 नियत कर दिया है और उस दिन 1/7/2022 को इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। जहाँ तक दिनेश शर्मा का मुकदमे का सवाल है, इसमें भी हमारी ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि मौके पर जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके संबंध में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को मौके पर भेजा जाए, जो मौके पर जाकर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में मौके का मुआयना करें और जो पक्षकार मौके पर बतावें उन मॉन्यूमेंट्स को नोट करें और उस तथ्यों के साथ अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें। उस प्रार्थना पत्र पर दूसरी पार्टी को नकल दे दी गई है और उस पर एहतियात के लिए दूसरी पार्टी ने समय मांगा है और इन प्रार्थना पर सुनवाई अब 1 जुलाई 2022 को ही होगी। बादी की आदत रही है कि नियत दिनांक से पूर्व एंड के एंड प्रकरण किसी न किसी रूप में प्रार्थना पत्र देकर वो न्यायालय की कार्रवाई को बाधित करते चले आ रहे हैं, हमेशा वो उस कार्रवाई को टालते रहे हैं। और अभी मुझे तो देख के मैं हैरान हूँ कि जो हमारे एक वादी पक्ष हैं जो हाई कोर्ट से एक आदेश लेने गए थे, उनका स्वयं का आप देखें उनकी पत्रावली में वो कभी उपस्थित ही नहीं हुए, मात्र 2 बार उपस्थित हुए होंगे। उनकी ऑर्डर शीट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है के बाद ही अनुपस्थित और उनको अंतिम अवसर दिया जाता है। जब वो यहाँ ट्रायल कोर्ट में जिस कोर्ट में मुकदमा चलना है यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे, जानबूझकर मुकदमे को लिंगर ऑन करते हैं और फिर माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, सामने मुकदमे सुनवाई जल्दी हो जाए। अगर वो यहीं हाजिर होते, यहीं उपस्थित होते तो इसकी ये नौबत ना आती, या दूसरे हमें माननीय उच्च न्यायालय ने बुलाया होता, नोटिस जारी करे होते तो हम उनका पक्ष रखते, उनकी ऑर्डर शीट को सर्टिफाइड ऑर्डर शीट, माननीय न्यायालय की ऑर्डर शीट कभी बदली नहीं जा सकती। अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछली डेट को भी उन्हें अंतिम अवसर का अवसर मिला था। तो ऐसे तथ्यों को छुपाकर एन के एन प्रकरण
जब कोई मामला ज्ञान वापी में होता है वो यहाँ एप्लीकेशन बुक कर देते हैं। साई मस्जिद ईदगाह और जन्मभूमि का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ रास्ते अलग हैं, सीमाएँ अलग हैं, भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूजा अर्चना चल रही है, नमाज होती है, तो कोई बात की स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि एंड कैंड प्रकरण अलग अलग प्रार्थना पत्र आते हैं, उनकी कॉपी रिसीव नहीं कराते, माननीय न्यायालय में कहते साहब हम लोग गए थे, तो इतना गुमराह है जो बाजी पेश कर रहे हैं। और एक और आपके वास्ते में चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कहीं कोई साक्ष है तो वो न्यायालय में पेश होगा, ना कि चैनलों पर दिखा दिखा कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। जो साक्ष आपने न्यायालय में पेश ही नहीं किए वो चैनलों के माध्यम से आप लोगों में ले जाना चाहते हैं। चैनलों के माध्यम से बात का निस्तारण नहीं होना, पंचायत के माध्यम से बात का निस्तारण नहीं होना, अनर्गल बातों को लेकर आप जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में आए, कोर्ट की कार्रवाई से जले नहीं जाए, भागे नहीं। क्या न्याय व्यवस्था पर इनको भरोसा नहीं? न्याय व्यवस्था पर ये सवाल उठा रहे हैं। आज कमीशन नियुक्त करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी गई थी, क्या रहा उसमें? नहीं, ऐसा है, उन्होंने भी अचानक एप्लीकेशन दी और ना उसकी कॉपी दी है। वो कॉपी लेकर उसको हम जो है उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे, अपनी सुनवाई होगी, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका अवलोकन करेंगे। फिर क्या डेट दी गई है? डेट तो उसमें पहले निश्चित है, अभी कोई माननीय को डेट निश्चित लगाती है तो उसका देखा जाएगा। देखिए, कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है जिसमें 4 माह में सभी पेंडिंग एप्लीकेशन को डिसाइड करने का आदेश दिया है, स्पष्ट आदेश किया है। उसके बाद आज हम लोगों ने मॉर्निंग कोर्ट का चुकी प्रावधान है, यहाँ सुबह हम लोगों ने 8 बजे एक एप्लीकेशन मूव की थी जिसमें यह कहा गया है कि जो तथाकथित ईदगाह परिसर है, जो विवादित ढांचा है, उसमें जो हम लोगों के अभिलेख हिंदू धर्म के और जो मूर्तियाँ उनको तोड़ा जा रहा है और उनको ध्वस्त किया जा रहा है, चूँकि ये लोग ज्ञानव्यापी में जो मामला चल रहा है वहाँ से प्रभावित हैं और यहाँ के दस्तावेजों और अभिलेखों को मिटाया जा साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, इसलिए एक अधिवक्ता कमिश्नर गठित किया बनती नियुक्त किया जाए जो वहाँ वीडियोग्राफी के माध्यम से सर्वे करें और वादी प्रतिवादी दोनों वहाँ उपस्थित रहें, सभी के सामने सर्वे, और वहाँ का जो असली सच है वो जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगे। एक एप्लीकेशन इसकी मूव की है, दूसरी अधिवक्ता कमिश्नर वहाँ नियुक्त किया जाए जल्द से जल्द, इसकी एप्लीकेशन दी हमने जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई, आने वाली 1 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। आपने जो याचिका दायर कराई थी वो कब कराई थी? ये 15 दिसंबर 2020 को दाखिल हुई थी, जो मार्च 2021 में स्वीकार की गई थी। मांग क्या है आपकी? मांग उसमें है जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ ज़मीन है, जिसमें लगभग 1.25 एकड़ में जो अवैध रूप से अतिक्रमण कब्जा है, वो ज़मीन खाली करा करके जन्मभूमि को वापस की जाए। जिस तरह से 4 माह का टाइम दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्या लगता है आपको कि 4 माह में ये कोर्ट जो है सुनवाई को पूरा करेगा और जो वीडियोग्राफी के तहत जो साक्ष्य हैं उनको सामने रखकर पेश करके जो सुनवाई होने वाली है और जो रिजल्ट आने वाला है उससे आप क्या? देखिए, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है और सख्त आदेश है उस पर, तो 4 महीने में डिसाइड करना ही पड़ेगा।